हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन से 25 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके थे। जो आपकी ये क्वेश्चंस दिया गया था लास्ट में, क्वेश्चंस आपके लिए दी गई थी 25 नंबर का। क्या इसमें राइट आंसर करना था, जो किसी भी स्टूडेंट के इसमें राइट आंसर नहीं आए कमेंट बॉक्स में। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था 26 नंबर क्वेश्चन में। हम देखते हैं इसमें क्या है आपका, ये जो चैप्टर चल रही है आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर पेपर भी आज मिलने वाले हैं, तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और कब पूछा गया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले वीडियो मिल सके। यहाँ पे देखिए 26 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा है, विच इज नॉट या वेस्टिजियल पार्ट इन ह्यूमंस। ठीक है, विच इज नॉट, मनुष्य में कौन सा अवशेषी भाग नहीं है, कौन सा अवशेषी भाग यानी वेस्टिजियल पार्ट नहीं होगा। तो देखिएगा सिगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमिन या फिंगर नेल्स या थर्ड मोलर या कॉसिक्स। राइट आंसर इसमें क्या होगा 26 नंबर में, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा, फिंगर नेल्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि अंगुलियों के नाखून ये नहीं आएगा। ठीक है ना, वेस्टियल पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बींग ऑल मैमल्स वेल डॉल्फिन बैट मंकी एंड हॉर्स हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स बट दे आल्सो शो कॉन्स्पिक्यूअस डिफरेंसेस। ओके, दिस इज ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आपको समझना डियर। सभी देखिएगा स्तनधारी यानी कि मैमल्स की बात किया है, जिसमें आपका क्या है वेल, ठीक है ना, फिर डॉल्फिन, फिर चमगादड़, बंदर और घोड़े में कुछ क्या होते हैं कॉमन लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, लेकिन उनमें स्पष्ट अंतर भी दिखाई देते हैं। क्या शो होता है, कॉन्स्पिक्यूअस डिफरेंसेस, स्पष्ट अंतर जो होते हैं भी दिखाई देगा। या घटना के कारण क्या होगा, या घटना के कारण क्या हो सकता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, या कॉन्वर्जेंस हो सकता है, या डाइवर्जेंस या नॉर्मलाइजेशन। चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें 27 नंबर में ऑप्शन डी आएगा, यानी कि क्या होगा, सामान्यीकरण, जिसमें नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, द रीअपीयरेंस ऑफ एन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर इन द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। 28 नंबर में पूछा है, वर्तमान जीव में किसी प्राकृतिक गुण का पुनः प्रकट होना क्या कहलाता है। रीअपीयरेंस, पुनः प्रकट होना क्या कहलाता है, वेस्टिजियल ऑर्गेन या फोसिल या एटाविज्म या फिर पैलियोन्टोलॉजी। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, 28 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, सी इज करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज गिवन बाय, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज गिवन बाय। ठीक है, 28-29 का यानी पूछा है भ्रूण विकास का नियम क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का नियम पूछा है, रूल पूछा है, ओन वेयर होगा या हैकेल होगा। ऑप्शंस बी में, सी में आपके पास है मेंडेल और डी में आपके पास है डार्विन। राइट आंसर इसमें क्या होगा, 29 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शंस ए आएगा, ऑप्शंस ए इज करेक्ट आंसर, ओन वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 30 नंबर क्वेश्चन है, इन द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ मैमेलियन हार्ट इट इज ऑब्जर्व दैट इट पासेस थ्रू अ टू चैम्बर फिश लाइक हार्ट। क्या है, टू चैम्बर फिश लाइक हार्ट, थ्री चैम्बर फ्रॉग लाइक हार्ट एंड फाइनली फोर चैम्बर स्टेजेस टू विच हाइपोथेसिस कैन दिस अबव सिटेटेड स्टेटमेंट बी अप्रोक्सीमेटेड। Approximated. Right answer इसमें क्या होगा? Questions बहुत लंबी questions पूछा गया है इसमें। देखिएगा questions में क्या कह रहा है। Question को पहले आपको क्या करना है, समझना है। Questions को क्या करना है, पहले समझना है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है डियर कि अस्तनधारी, आपका अस्तनधारी हृदय जो आपका है, कि विकास के इतिहास में यह देखा गया कि या किसके माध्यम से गुजरता है, पास थ्रू यानी कि दो कछुए मछली जैसा हृदय,
या फिर तीन कछे मेढक जैसा हृदय, या अंत में चार कछी अवस्था में गुजरेगा स्टेजेस में, या उपरोक्त उद्धृत कथन को किस परकलमक परिकल्पना से जोड़ा जाता है, किस परिकल्पना से जोड़ा जाएगा? तो ऑप्शन ए में क्या है डियर? ऑप्शन ए में बायोजेनेटिक आपका लॉ है, कानून है। आपका बी में आपका पास दिया गया हार्ड्री वैनबर्ग कानून है। सी में आपके पास है, सी ऑप्शंस में लेमार्क का सिद्धांत है। डी ऑप्शंस में है आपके पास मेंडेलियन सिद्धांत। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया है। 30 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, यानी कि बायोजेनेटिक लॉ, यानी बायोजेनेटिक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 31 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर पूछा है, पेरिपाटस इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन। ठीक है, 31 नंबर में पेरिपेटस एक जोड़ने वाली कड़ी है, एक जोड़ने वाली कड़ी है लिंकिंग। तो यहाँ पे देखिएगा सेंटोफोरा एंड प्लेंटी हेलमिंथस मोलुस्का एंड आपका बी ऑप्शंस में है इसिनोडो डर्माटा, सी ऑप्शंस में है एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, डी ऑप्शंस में है देखिएगा सेलेंट्रेटा एंड पोरीफेरा। राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? 31 नंबर में आपका राइट आंसर क्या होगा? 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। क्या होगा? एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, साइटोक्रोम सी वाज यूज्ड एज एन एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय। साइटोक्रोम सी का उपयोग जैविक विकास के साक्ष्य के रूप में किया गया था, साक्ष्य के रूप में किया गया था। ऑप्शन सी में क्रेव्स, बी में आपके पास है न्यूटन, सी में आपके पास कैल्विन, डी में आपके पास है डिकर्सन। डिकर्सन राइट आंसर इसमें क्या होगा? 32 में राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, डिकर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस सजेस्टेड दैट मैन इज मोर क्लोजली रिलेटेड विथ, देखिएगा, चिंपैंजी देन विथ अदर होमिनोइड एप्स, होमिनोइड एप है ना। किस प्रकार के साक्ष्य से पता चलता है कि मनुष्य अन्य होमिनोइड होमिनोइड वानरों की तुलना में चिंपैंजी के साथ अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है, चिंपैंजी के साथ अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? एविडेंस फ्रॉम डीएनए फ्रॉम सेक्स क्रोमोजोम ओनली, या कंपैरिजन ऑफ क्रोमोजोम्स मॉर्फोलॉजी ओनली, या एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स रिमेन्स एंड द फॉसिल माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए अलोन, या फिर एविडेंस फ्रॉम डीएनए एक्सक्रेटेड फ्रॉम सेक्स क्रोमोजोम ऑटोजोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। चार ऑप्शन दिया गया डियर, 33 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा 33 नंबर में? ऑप्शन डी आएगा। क्या है इसमें? कि एविडेंस फ्रॉम डीएनए, यानी कि डीएनए के साक्ष्य निकाले गए सेक्स क्रोमोजोम ऑटोजोम और माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लैमार्क, अबाउट लैमार्क, लैमार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर 34 नंबर में ऑप्शन सी आएगा डियर, ही बेस्ड हिज थ्योरी ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर। 34 नंबर में सी ऑप्शन राइट है, उन्होंने अपने सिद्धांत को अर्जित लक्षणों की विरासत पर आधारित किया, आधारित किया। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द ऑब्जेक्शंस टू डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज आर, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पे आपत्तियां हैं। तो राइट आंसर 35 नंबर में आपका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, सभी के सभी, यानी कि नो डिफरेंशिएशन बिटवीन सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन। सेकेंड में है आपका फेल्स टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। थर्ड में है इट फेल्स टू एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजन बिहाइंड आवर आपका स्पेसिएशन। एंड राइट आंसर इसमें ऑल ऑफ दी एबव, डी ऑप्शंस राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 36 नंबर, अकॉर्डिंग टू द नियो ड्रावेनियन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसिस, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पेसिस, यानी कि नव ड्राइविन सिद्धांतों के अनुसार नई नई प्रजातियों है ना, न्यू स्पेसिस नई प्रजातियों की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है?
राइट आंसर 36 नंबर में ऑप्शन सी होगा, म्यूटेशंस टुगेदर विद नेचुरल सिलेक्शंस, म्यूटेशन टुगेदर विद नेचुरल सिलेक्शंस 36 नंबर का सी आंसर राइट होगा कि प्राकृतिक चयन के साथ उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन के साथ उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है इवोल्यूशन डार्विन थ्योरी का, है ना, यानी कि 37 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, डार्विन थ्योरी का सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, डार्विन थ्योरी का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। राइट आंसर 37 नंबर में आपका ऑप्शन ए आएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि अनुवांशिक बहाव इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत जो सबसे अच्छी किसके आधारित पे है, बेस्ड ऑन किसके आधार पर, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, 38 नंबर का जेनेटिक एंड क्रोमोजोमल म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, या फिर आपके पास रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या ऑल ऑफ द अबव, तो ये सिंथेटिक थ्योरी जो है इवोल्यूशन बेस्ड ऑन, राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वाज प्रपोज्ड बाय ड्रॉविन एंड वेलक फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, 39 नंबर में पूछा है, जैविक विकास के लिए ड्रॉविन और वैलेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम प्रस्तावित किया गया था, कौन सा अनुक्रम प्रस्तावित किया गया था, 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन इसमें डी आएगा, ओवर प्रोडक्शन, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि अति उत्पादन। नेक्स्ट में हमारा क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या आकार की स्थिरता, नेक्स्ट में वेरिएशन यानी कि विविधताएं, और लास्ट आपका सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जिसमें प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इंडस्ट्रियल देखिएगा मेलनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, 40 में पूछा है औद्योगिक मेलनिज्म एक है, तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा, ऑप्शन ए में है नियो ड्राइविनिज्म, बी में नेचुरल सिलेक्शन, सी में म्यूचेशन, डी में नियो लेमार्किज्म, राइट आंसर इसमें क्या होगा, 40 नंबर में राइट आंसर आपको ऑप्शन बी आएगा, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, इंडस्ट्रियल मेलनिज्म एज ऑब्जर्व इन पीपर मॉथ पोर्प्रोव्स डाइट, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 41 नंबर का, पेपर मोथ में देखी गई औद्योगिक मेलनिज्म यह साबित करती है, इंडस्ट्रियल मेलनिज्म ऑब्जर्व क्या साबित करेंगी, क्या साबित करती है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा, ट्रू ब्लैक मेलनिक फॉर्म्स एराइज बाय अ रिक्वायरिंग रैंडम म्यूटेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि वास्तविक काले मेलनिक रूप में आवर्ती अदृच्छिक उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे 42 नंबर, डार्विन इन हिज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डिड नॉट बिलीव इन एनी रोल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस, बायो अब एंड होने वाली है डियर, बोटनी एंड जूलॉजी से जितने भी चैप्टर थे लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, एंड आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो चैप्टर मेरे से हो सकेगा कुछ चैप्टर में करवा दूंगी, सारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, तो आप लोग बने रहे चैनल पे, जितनी भी जिनका भी कमेंट आ रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए कुछ आपको चैप्टर करवाया जाएगा, एंड कुछ आपको टीचर के द्वारा करवाया जाएगा, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सर लोग हैं उन लोग करवाएंगे, तो आप लोग चैनल पे बने रहे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया 42 में, जिसमें क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉविन ने अपने प्राकृतिक चयन सिद्धांत में जैविक विकास में निम्नलिखित में से किसकी कोई भूमिका नहीं मानी, ठीक है, नॉट बिलीव इन एनी रोल ऑफ विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, देखिएगा पैरासाइट्स एंड आपका प्रेडेटर्स एंड नेचुरल एनिमीज एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, राइट आंसर 42 में क्या होगा आपका, तो 42 में ऑप्शन ए आएगा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, असतत विविधताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखिएगा। यहाँ पे 43 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ दी फॉलोइंग फिनोमेना सपोर्ट्स ड्राइंग्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। 43 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना जैविक विकास में डार्विन की प्राकृतिक चयन की अवधारणा का समर्थन करती है, समर्थन करती है। तो राइट आंसर 43 नंबर में, देखिए डियर इसका क्वेश्चंस भी लॉन्ग है, ऑप्शंस भी लॉन्ग है, 43 में राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, प्रिवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स रेस्टिडेंट इंसेक्ट, रेस्टिडेंट इंसेक्ट, राइट आंसर ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू, देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू हाइग्योडी वेयर इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, क्वेश्चन में है कि हाइग्योडी वेल्स के अनुसार विकास का तंत्र है, विकास का तंत्र है। तो इसमें ऑप्शन ए में आपका पूछा गया है फिनोटिपिक वेरिएशन, बी में है आपका सेल्टेशन, सी में है मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन, डी में माइनर म्यूटेशन। तो राइट आंसर 44 नंबर में क्या होगा, 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, सेल्टेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन टर्म ऑफ जीन फ्रीक्वेंसीज फाउंडर इफेक्ट रिजल्ट इन, जीन आवृत्तियों की अवधि में संस्थापक प्रभाव का परिणाम होता है, फाउंडर इफेक्ट रिजल्ट इन क्या परिणाम होगा, पॉलीपोलाइडली या हाइब्रिडाइजेशन या लार्ज रैपिड चेंजेस या मैकेनिकल इनकम्पेबिलिटी। राइट आंसर इसमें क्या होगा, 45 नंबर में ऑप्शन सी होगा, लार्ज रैपिड चेंजेस, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, अनुवांशिक बहाव संचालित होता है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन, नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। 46 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास 47 नंबर, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रेदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज रेफर टू एज, दिस इज रेफर टू एज, आबादी के भीतर जीन आवृत्तियों में भिन्नता प्राकृतिक चयन के बजाय संयोग से हो सकती है, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। तो राइट आंसर 47 नंबर में ऑप्शन बी आएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या आएगा, बी इज करेक्ट आंसर, अनुवांशिक बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 48 नंबर, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम, प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम, ठीक है, इसमें 48 ने पूछा है किसी जनसंख्या में आदृच्छिक अनुवांशिक बहाव संभवतः इसका परिणाम है, इसका परिणाम होगा, लार्ज पॉपुलेशन साइज, हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल, या इंटरब्रीडिंग विद इन दिस पॉपुलेशन, या कॉन्स्टेंट लॉ म्यूटेशन रेट। राइट आंसर इसमें क्या होगा, 48 नंबर में ऑप्शन बी आएगा, हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल, बी इज करेक्ट आंसर, अत्यधिक अनुवांशिक रूप से परिवर्तनशील व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 49 नंबर, ड्राविन्स देखिएगा फिंचेस आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ, 49 में पूछा है कि ड्राविन के फिंस इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, किसका उत्कृष्ट उदाहरण है, अडेप्टिव रेडिएशन का, सीजनल माइग्रेशन का, आपका ब्रॉड पैरा सिटीजम का, या कनेक्टिंग लिंक्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, 49 नंबर में राइट आंसर क्या होगा, 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, एडेप्टिव आपका रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिस इन या गिवन एरिया आर स्टार्टिंग फ्रॉम या पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, 50 में है किसी दिए गए क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक फैलने को विकास कहा जाता है, विकास कहा जाता है, एडेप्टिव रेडिएशन को, नेचुरल सिलेक्शन को, माइग्रेशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यदि आपको वीडियो पसंद आया डियर तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे, अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलते रहे, आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाली वीडियो, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें 50 में क्या होगा डियर, ऑप्शन ए आएगा, एडाप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 51 नंबर, एडाप्टिव रेडिएशन रेफर टू अनुकूली विकिरण को संदर्भित करता है, एडेप्टेशन ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन,
इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज फ्रॉम या कॉमन एंसेस्टर या माइग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ या स्पेसीज टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया या पावर ऑफ एडेप्टेशन इन एन इंडिविजुअल टू या वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट्स। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 51 नंबर में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज फ्रॉम या कॉमन एंसेस्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 51 नंबर का, एक सामान्य पूर्वज से विभिन्न प्रजातियों का विकास, विभिन्न प्रजातियों का विकास। नेक्स्ट है 52 नंबर, इन विच कंडीशन द जीन रेशियो रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर एनी स्पेसिस। 52 का पूछा है किसी स्थिति में किसी प्रजाति के लिए जीन अनुपात स्थिर रहता है, जीन अनुपात स्थिर रहता है, सेक्सुअल सिलेक्शन, रैंडम मैटिंग, म्यूटेशन, जीन फ्लो। राइट आंसर इसमें क्या होगा, 52 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, रैंडम मैचिंग, रैंडम मैचिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, 53 नंबर में होमो देखिएगा सैपियंस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग, यानी होमो सैपियंस का विकसित इसी दौरान हुआ, विकसित इसी दौरान हुआ, यानी देखिएगा ऑप्शन ए में है प्लेस्टोसिन, ऑप्शन बी में है देखिएगा पिलियोसिन, ऑप्शन बी में ऑलियोसिन, सी में पिलियोसिन और डी में आपके पास है मियोसिन, है ना, चार ऑप्शन दिया गया 53 नंबर में। तो राइट आंसर 53 का ऑप्शन ए आएगा, यानी कि प्लेस्टोसिन, क्या होगा प्लेस्टोसिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 54 नंबर, अमंग द ह्यूमन देखिएगा एंसेस्टर्स द ब्रेन साइज वाज मोर देन 1000 cc इन। तो होमो देखिएगा ऑप्शन ए में है होमो नियंडरथैलेंसिस, ऑप्शन बी में है होमो इरेक्ट्स, सी में आपके पास है ऑप्शन रामापिथेकस, डी में आपके पास है होमो हैबिलियस, होमो हैबिलियस। राइट आंसर इसमें क्या होगा 54 नंबर का, 54 में क्वेश्चन पूछा है कि मानव पूर्वजों के मस्तिष्क का आकार 1000 cc इंच से भी अधिक था, किसका था, राइट आंसर क्या होगा 54 नंबर में 1000 cc से भी अधिक था, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, होमो नियंथेंडरथैलेसिस, होमो नियंथेंडरथैलेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज क्लोजली रिलेटेड विद द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, या निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव के विकास से निकटता से संबंधित है, क्लोजली रिलेटेड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन मानव के विकास से निकटता से संबंधित है, लॉस ऑफ टेल, शॉर्टनिंग ऑफ जो, या देखिएगा बाइनोकुलर विजन या फ्लैट नेल्स। राइट आंसर 55 का ऑप्शन कौन सा आएगा, 55 का ऑप्शन डी आएगा, शॉर्टनिंग ऑफ जो, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जबड़ों का छोटा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया डियर, इसमें क्वेश्चंस कहां कैसे अब कब पूछा है, ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चंस। 56 नंबर क्वेश्चन है कनेक्टिंग लिंक, देखिएगा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड मॉलुस्कस इज, 2019 का क्वेश्चन है, 56 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि एनालिड्स और मोलस्का के बीच कनेक्टिंग लिंक है तो क्या होगा, ऑप्शन ए में है लिमुलस, बी में आपके पास है देखिएगा पेरिपेटस, सी में आपका पास है नियोपिलना और डी में है पेरिप्लानेटा, पेरिप्लानेटा। राइट आंसर इसमें क्या होगा, आप लोग भी सोच सकते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, 56 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर, पेरिपेट आपका सी यानी नियोपेलिना, नियोपेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट योर लिविंग फॉसिल, नॉट योर लिविंग फॉसिल, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म नहीं है, कौन सा जीवित जीवाश्म नहीं है, तो देखिएगा ऑप्शन सी ए में है आपके पास, ए में क्या है किंग क्रैब, बी में आपके पास है एस्फेनोडोन, एस्फेनोडोन, सी में आपके पास है आपका आर्कियोपटेरिक्स, डी में आपके पास है पेरिपेटस। राइट आंसर क्या होगा 57 नंबर का, ऑप्शन सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि आर्कियोपटेरिक्स, आर्कियोपटेरिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58, द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड 1 लाख टू क्या है आपका 40,000, है ना, 1 लाख है आपका, 1 लाख टू 40,000 ईयर्स अगो इन यूरोप एशिया एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका विद शॉर्ट स्टेचर हैवी आईब्रोज आपका रिट्रेनिंग फोरहेड्स
लार्ज जो विथ हैवी टीथ, स्टॉकी बॉडीज, लमेरिंग गैट एंड आपका एस्ट्रोफोसस वॉज। 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह विलुप्त मानव जो 1,00,000 से 40,000 साल पहले यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में रहता था, छोटे कद, भारी भौरे, है ना, भारी भौरे, पीछे की ओर झुका हुआ माथा, भारी दांतों के साथ बड़े जबड़े और इसमें गठीले शरीर, लंबी चाल और झुकी हुई मुर्दा वाला था, झुकी हुई मुर्दा वाला था। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? होमो, ऑप्शन ए में होमो हैबिलियस, बी में आपके पास है देखिएगा इसमें नीएंडरथल मानव ह्यूमन, एंड सी में है आपका क्रो मैग्नन ह्यूमन, डी में आपके पास है रामापिथेकस। राइट आंसर 58 नंबर में आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि नीएंडरथल ह्यूमन, नीएंडरथल मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन 59 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पे, आर्च पैलेट यूनिफॉर्म साइज टीथ वेयर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनेक्सटर्स। ठीक है, यानी कि धनुषाकार तालु, क्या है इसमें? आर्च पैलेट, धनुषाकार तालु किसमें एक समान आकार के दांत के निम्नलिखित में से किस पूर्वज में पाए गए थे, किस पूर्वज में पाए गए थे? 2016 में क्वेश्चन पूछा है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए में है रामापिथेकस, बी में आपके पास केनियापिथेकस, सी में आपके पास है ट्रायोपिथेकस और डी ऑप्शंस में है सीओपिथेकस। तो राइट आंसर 59 का ऑप्शन ए आएगा, रामापिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट एज। 2015 का क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात किया है, यानी कि क्या है इसमें? प्रारंभिक से नवीनतम तक मानव विकास का कालानुक्रमिक क्रम क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होगा? तो 60 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा, रामापिथेकस, ऑप्शन बी आएगा, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलस एंड होमो इरेक्टस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इस ऑर्डर में चलता आया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 61 नंबर, प्रेजेंस ऑफ टेल इन या चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 61 नंबर में पूछा है आपका कि 61 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेजेंस ऑफ टेल का इन अ चाइल्ड में एग्जाम्पल पूछा, उदाहरण कौन सा होगा? 2015 का क्वेश्चन है डियर आपका, एक बच्चे में पूंछ की उपस्थिति का एक उदाहरण है किसका? एटेविज्म का। ऑप्शन बी में आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सी में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डी में म्यूटेशन। राइट आंसर 61 नंबर में ऑप्शन ए आएगा, एटेविज्म, क्या आएगा? अतिवाद, क्या आएगा? अतिवाद। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए डियर, हॉट डाइल्यूट सूप वाज गिवेन बाय, गर्म पतला सूप किनके द्वारा दिया गया था, ये चीज क्वेश्चन आया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए में क्या है आपका? ऑपेरियन, बी में हेल्डेन, सी में यूरे, डी में नॉन ऑफ दीज। 2015 का क्वेश्चन है डियर। आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आए हो, तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और आप लोग को बहुत जल्द मिलने वाली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, उसमें आपको दी जाएंगी। इसमें एक चैप्टर और बचा हुआ डियर, जो कि आपका लास्ट है, ये आपके लास्ट, फिर आपको जीके इंग्लिश जो भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के एक चैप्टर बचा हुआ जिसके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल पे। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।